आज हम देखेंगे कि हाउ टू टाइप उर्दू इन एमएस वर्ड, ठीक है, और विंडोज। उर्दू को किस तरह से टाइप किया जा सकता है, मतलब कितने भी किस्म के डॉक्यूमेंट हैं उनको हम उर्दू में कैसे टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू को टाइप करने के लिए हमें एक अदद उर्दू फॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उर्दू फॉन्ट्स इंस्टॉलर, जिसका नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। इसको आप गूगल से कहीं से भी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पर जाके यहाँ से क्लिक करेंगे google.com पर, और यहाँ जाके आप अगर स्क्रीन पर लिख रहे हैं, एक मिनट कनेक्ट हो जाए इंटरनेट, तो एक इस तरह की इंस्टॉलर फाइल आपके पास कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। तो वो इंस्टॉलर फाइल कुछ इस तरह की दिखाई देगी जिसमें ये वाली फाइल पाक उर्दू इंस्टॉलर। पाक उर्दू इंस्टॉलर की फाइल को जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से इंस्टॉल किया जा सकता है। जब इसको इंस्टॉल किए करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में एक दफ़ा ये रीस्टार्ट करेगा। रीस्टार्ट करने के बाद ये हमारे पास एक लैंग्वेज का बार आ जाएगा। इस लैंग्वेज के बार पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और अलिफ और रे, उर्दू पाकिस्तान, पाकिस्तान कीबोर्ड का ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे नज़र, कि अगर हम चाहें तो इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू में टाइप कैसे करेंगे। उर्दू में टाइप करने के लिए आपको डेस्कटॉप पे एक उर्दू का कीबोर्ड भी नजर आएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो एक वेब पेज हमें यहाँ नजर आएगा। जब इसको हम खोल लेंगे तो खोलने के बाद जो है ये वेब पेज जो है हमारे सामने इस तरह खुल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से क्लिक करते हैं उर्दू कीबोर्ड लेआउट पर, और कीबोर्ड लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका लेआउट जब हम देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल कीबोर्ड लेआउट नजर आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो शिफ्ट के साथ कीबोर्ड लेआउट नज़र आ रहा है। अब ये नॉर्मल और शिफ्ट के साथ जो कीबोर्ड लेआउट है, और अल्टर जी आर और अल्टर जी आर प्लस शिफ्ट के साथ जो, चूंकि उर्दू के कीबोर्ड में 36 तकरीबन हरूफ तहजी होते हैं, लेटर्स होते हैं, तो इसलिए हमारे कीबोर्ड पर वो आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो इन्होंने एक एक बटन के ऊपर दो दो अल्फ़ाबेट्स को कन्वर्ट किया है। उसको इस तरह से रखा है कि जब आपका कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑफ होगा, व्हाट डज इट मीन, कि जब कैप्स लॉक हमारा ऑफ होगा तो ये कैप्स लॉक ऑफ हो गया, तो यहाँ पे अब ये छोटी एबीसी लिखेगा, छोटी एबीसी लिखेगा, इट मीन्स कि नॉर्मल हमारा स्टेट है कीबोर्ड का, स्मॉल यानी कि कैप्स लॉक ऑफ है, वो स्टेट हमारे कीबोर्ड की नॉर्मल स्टेट कंसीडर की जाएगी। अब हम नॉर्मल कीबोर्ड की स्टेट में अगर ए दबाएंगे तो अलिफ आएगा, एस दबाएंगे तो सीन आएगा, डी दबाएंगे तो दाल आएगा, एफ दबाएंगे तो फे आएगा, जी दबाएंगे तो गाफ आएगा, एच दबाएंगे तो हे आएगा, सिमिलरली टी दबाएंगे तो ते आएगा, ई दबाएंगे तो आइन आएगा, और सी दबाएंगे तो चे आएगा, इसी तरह से कुछ मामला रहेगा। लेकिन इसके आगे नीचे लिखा हुआ शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब ये है कि अब हमारे कीबोर्ड की जो दूसरी स्टेट है, मतलब अगर मेरा कैप्स लॉक ऑफ है और ये छोटी एबीसी लिख रहा है, तो अगर मैं शिफ्ट के साथ ए एस डी एफ लिखूंगा तो वो कैपिटल कंसिडर करेगा, मतलब वो उसका इनवर्स करेगा। जब ये इनवर्स करेगा तो यहाँ पे क्लिक करके, जैसे ही आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे जाके शिफ्ट के साथ आपने देखना है कि शिफ्ट के साथ जेड दबाएंगे तो जाल आएगा, एक्स दबाएंगे तो जे आएगा, सी दबाएंगे तो फे आएगा, वी दबाएंगे तो जोए आएगा, बी दबाएंगे तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ आएगा, जी दबाएंगे तो गैन आएगा, एच दबाएंगे तो हे आएगा, जे दबाएंगे तो जुआ द्वाद के खे जो भी है ये मुख्तलिफ उसके साथ आएंगे। सिमिलरली अल्टर जी आर का मकसद है कि सीधे हाथ का अल्टर के साथ, सीधे हाथ के अल्टर के साथ अगर हम इस तरह के कुछ बटन दबाएंगे तो ये कुछ निशानियाँ होती हैं जो उर्दू में जज़म और ये का साइन और काफ का साइन, ये किसी भी लेटर के ऊपर लगाने के काम में आ रहे होते हैं। अगर हम ऑल्टर जी आर दबाएंगे सीधे हाथ के ऑल्टर जी आर के साथ, सीधे हाथ के, तो सीधे हाथ का ऑल्टर और शिफ्ट, तो उसके साथ फिर ये कुछ अलैहिस्सलाम और रदी अल्लाह ताला अन्हु और रहमतुल्लाह अलैह के कुछ सिंबल्स हम उस पर लगा सकते हैं। तो ये मेरा पूरा कीबोर्ड लेआउट है जिसको आप ऐसे स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो कीबोर्ड लेआउट आपके सामने खुल गया है, अब हमें इसको टाइप करना है उर्दू को। तो उर्दू को टाइप करने के लिए वही तरीका कि पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेना है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेंगे तो जब आपके सामने वर्ड खुल जाएगा तो यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ से न्यू, और न्यू के बाद एक नया डॉक्यूमेंट आप यहाँ से ले लेंगे, और लेने के बाद फिर यहाँ से एक न्यू फाइल को कंसिडर करेंगे और शुरू करेंगे। जब आप एक नई फाइल को कंसिडर करके यहाँ से शुरू करेंगे, न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ डबल क्लिक कर लेंगे और उसको फिर क्लिक करके डिलीट कर लेते हैं, यहाँ डबल क्लिक करते हैं, तो अब उर्दू लिखने का तरीकाकार आपका कुछ इस तरह का होगा कि सबसे पहले आपने यहाँ पर डायरेक्शन को राइट करना, डायरेक्शन का ऑप्शन देखिए यहाँ नजर आएगा आपको, यहाँ पे कहीं होता है
अच्छा अभी मुझे दिख नहीं रहा जरा डायरेक्शन, ये रहा, ये दो आइकन्स नोट कर ले। वैसे ये जब पूरी स्क्रीन पे वर्ड आएगा आपको नजर, तो डायरेक्शन आपको इस एरिया पे नजर आ रहा होगा, एक्सपैंड हो गया। अभी ये थोड़ा सा कंडेंस्ड हुआ हुआ है, तो यहाँ पे देख लिए। अमूमन हमारी डायरेक्शन जो होती है वो लेफ्ट होती है, कि हम लेफ्ट साइड से लिखते हैं राइट साइड की तरफ, और डायरेक्शन राइट कर देंगे तो अब ये लिखेगा सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, लेफ्ट फॉर इंग्लिश, राइट फॉर सिंधी एंड उर्दू। तो डायरेक्शन राइट करने के बाद अलाइनमेंट भी राइट करनी है, मतलब अब ये ऐसे तरह का टेक्स्ट ना, और डायरेक्शन लेफ्ट रखेंगे तो फिर अलाइनमेंट लेफ्ट रखेंगे तो आपका टेक्स्ट ऐसे चलेगा आगे। तो डायरेक्शन राइट, अलाइनमेंट राइट करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे और एक फॉन्ट चूज करेंगे। ये फॉन्ट आपके कंप्यूटर में डाउनलोड जब होगा, जब वो फॉन्ट आप इंस्टॉल कर लेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से, और इस फॉन्ट का नाम है जमील नूरी नस्तालिक। तो जे दबाते हैं हम यहाँ से, तो ये आ गया हमारे सामने जमील नूरी नस्तालिक नाम का एक फॉन्ट आ गया। तो क्लिक करेंगे, ये फॉन्ट यहाँ से आपने चूज कर लेना, जमील नूरी नस्तालिक, ये उर्दू का ओरिजिनल फॉन्ट है। इस पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट कहते हैं राइटिंग स्टाइल को, तो यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद आपने अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज करके तकरीबन 20 पे रख लेना है। और 20 पे रखने के बाद अब आपने टाइप करना है। तो उर्दू में टाइप करने का असूल ये होता है कि जो भी अल्फाज मिला के लिखने हैं तो उसमें बीच में स्पेस का बटन नहीं दबाना, और जो अल्फाज ब्रेक करके लिखने हैं उनमें एक दफ़ा स्पेस का बटन जबर लाजमी दबाना है। जैसे कि अगर अब मैं उर्दू लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ क्लिक करके उर्दू का जो है ले लूँगा यहाँ से फॉन्ट, और अब यहाँ पर टाइप करूँगा, मिला के लिखना है मुझे। तो ये देखिए न्यू लिख दिया मैंने, और अलीफ खुद ही अलग हो जाएगा, लाम है खुद मिल जाएगा, सीन ये, नून ये, अब आगे काफ लगाऊंगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, एक बैक स्पेस दबाना है और ये स्पेस को एक दफा प्रेस कर देना है। स्पेस से स्पेस नहीं आएगा बल्कि एक ब्रेक डाउन आ जाएगा बीच में, और फिर आप जब अगला वर्ड लिखेंगे तो वो उससे जुदा होके लिखा जाएगा। कॉलेज, एक स्पेस दिया, ऑफ कंप्यूटर, सी के एम कंप्यूटर, ऑफ पे स्पेस देना पड़ेगा, कम कंप्यूटर पे नो कंप्यूटर कंप्यूटर स्पेस सीन अलिफ जबर सा एस ए। अब साइंस के लिए यू दबाना होगा, हमजा ये आएगा इसके साथ, और नून दबाएंगे तो वो कुछ इस तरह से साइंस, एंड स्पेस दिया, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरह से टाइप कर दिया। सिमिलर तरीका है जैसे हम वर्ड में काम कर रहे होते हैं, बाकी सारी कमांड वैसे ही काम करेंगी, सिर्फ फर्क ये है कि आपको इसमें उर्दू को टाइप करना आना चाहिए, जो उर्दू के असाइनमेंट्स हैं वो आपको इस पर बनाने आने चाहिए और जल्दी टाइप कर ले। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिप्लोमा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह से हम कुछ भी टाइप कर लेंगे, और टाइप करने के बाद वही तरीका है फॉन्ट साइज वगैरह को कम ज्यादा करने का, लेकिन इस पर फॉन्ट सिर्फ आप ही एक ही यूज करेंगे, जमील नूरी नस्तालिक, ये उर्दू का ओरिजिनल फॉन्ट है, जो भी उर्दू के खत्तो खिताबत होती है, किताबें लिखी जाती है, न्यूज़पेपर लिखा जाता है, उसमें इस्तेमाल होता है। यहाँ से सेंटर करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से ये आपको ऐसा नजर आएगा। अलाइनमेंट राइट कर देंगे, लाइन स्पेसिंग को आप यहाँ से कर सकते हैं, जस्टिफाई इस पर अप्लाई नहीं होगा, लाइन स्पेसिंग यहाँ से कम हो सकती है, बढ़ा सकते हैं, इस तरह से अपने टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। सेव करने के लिए फाइल, दोबारा से इसको उर्दू से इंग्लिश में आना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये इंग्लिश से उर्दू आने में शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हैं, एक शॉर्ट की है नोट करेंगे आप, ऑल्टर शिफ्ट, लेफ्ट हाथ का ऑल्टर और शिफ्ट यूज करेंगे तो देखें ये कन्वर्ट हो गया सिंधी में, ये कन्वर्ट हो गया उर्दू में, ये दोबारा कन्वर्ट हो गया और ये इंग्लिश में आ गया। ठीक है, दूसरा है ऑल्टर सॉरी विंडोज स्पेस के साथ, विंडो के बटन के साथ स्पेस का बटन दबाएंगे तो यह आपको पूरा नजर आ रहा होगा, जिसपे लाके छोड़ेंगे ये उस लैंग्वेज सिस्टम पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए विंडो स्पेस, ठीक है, तो कोई भी शॉर्ट की आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया फाइल को, मोर ऑप्शंस में चलेगा, यहाँ से क्लिक करके ब्राउज कर दिया, और ब्राउज करने के बाद जहां भी आपको अपनी फाइल को सेव करना है आप उस लोकेशन पर जाके अपनी फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ से हमने इस फाइल को लिया, सक्सेस के नाम से एक फोल्डर था उसमें जाके सेव कर रहे हैं, और उसमें हमने सेव किया इसको मिसाल के तौर पर उर्दू क्लास, कौन सी भी है 17, क्लास 18 कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे लिख देते हैं उर्दू टाइप 01। ठीक है, और ये हमारी फाइल सेव हो गई। ठीक है, बाकी तो वर्ड जैसे ही यूज करते थे वैसे ही रहेगा, सिर्फ ख्याल ये करना है डायरेक्शन राइट और अलाइनमेंट राइट, ये दोनों चीजें राइट पे रखेंगे आपका उर्दू का फॉन्ट बिल्कुल सही जा रहा होगा। हाँ, सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में भी डायरेक्शन को राइट ही रखना है, लेफ्ट नहीं करना, वरना ये फॉन्ट बिखर जाएगा। अगर आप डायरेक्शन लेफ्ट लिखेंगे, अलाइनमेंट राइट करेंगे, तो फिर आप उर्दू को सही तरह टाइप नहीं कर सकेंगे और ये अल्फाज आपस में
मिक्स हो जाएंगे, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है,